Today I'm going to start history. I'm going to revise chapter of history, Nazism in Germany. Rule of Nazis in Germany. When Germany came under the rule of Nazis, उस पीरियड को कहा गया नाजीज्म इन जर्मनी। जर्मनी पे जब नाजिस का होल्ड था, नाजिस का रूल था, तो उस पीरियड को कहते हैं नाजीज्म इन जर्मनी। अब नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पे, ठीक है। तो दैट वाज फॉर्म्ड बाय हिटलर, इट वाज फॉर्म्ड बाय हिटलर। अर्लियर इट वाज वर्कर्स पार्टी, तो हिटलर रीनेम्ड इट एज नाजी पार्टी। नाजी पार्टी से हिटलर ने बनाया। एंड जब जर्मनी नाजीस के अंडर आया, तो उस पीरियड को जर्मनी की हिस्ट्री में कहा गया नाजीज्म इन जर्मनी। तो अब ये हम पूरी स्टोरी इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जर्मनी में चेंजेस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहां पे रूलर जो था ना, ही वाज कैसर विलियम। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैसर विलियम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, लर्न इट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है 1914 टू 1918 तक ये वॉर चली। एट दैट टाइम रूलर ऑफ जर्मनी वाज कैसर विलियम, ही वाज द रूलर। तो वो रूलर था। तो ड्यूरिंग कैसर विलियम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हेल्ड बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। अलाइड यू नो वेरी वेल, सबसे पहले यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए। मैंने रशिया एंड यूएसए इसलिए बाद में बोले बिकॉज रशिया ने पूरी वार नहीं लड़ी। 1917 रशिया ने वार को छोड़ दिया, जबकि वार तो चली 1918 तक। रशिया केम आउट ऑफ द वार इन 1917, लेनिन उसको बाहर लेके गया था रशिया को। एंड व्हेन रशिया केम आउट, यूएसए जॉइंड दिस वार। तो तभी मैंने दोनों कंट्रीज के नाम बाद में बोले, पर है ही अलाइड पावर्स यूके। अलाइड पावर्स आपको अगर पूछी जाए, यूके, फ्रांस, रशिया, USA, these were allied powers, and central powers, Germany, Austria, Hungary, Turkey, Ottoman Empire, Germany, Austria, Hungary, Turkey. So these were central powers. अब इनमें हो गई First World War. Ruler Caesar William took loans from the countries, from other countries to fight this war, from the rich people, from the, उसने loan भी लिए थे to fight this war. Ab ye first world war start hui. In this war, earlier, Germany was at good position. To agar wo kehte Germany overconfident na hota, to maybe Germany is war ko jeet sakta tha. Aur aaj jo hum world ka naksha dekhte hain na, shayad wo change hota. Germany overconfident ho gaya is war mein. Germany, earlier I have told you, Germany was at good position. तो हुआ क्या, जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। कभी कहते होते ना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। देखो उसका कितना लॉस फिर उसको ओवर कॉन्फिडेंट होने का हुआ। तो जर्मनी ने ओवर कॉन्फिडेंट होके ना, यूएसए जो घर पे आराम से बैठा हुआ था साइलेंटली, यूएसए ने तो ये वार ज्वाइन ही नहीं की थी। जर्मनी अटैक्ड ऑन द नेवल बेसिस ऑफ यूएसए। जर्मनी ने घर बैठे बैठाए यूएस के नेवल बेसिस पे अटैक कर दिया। अब USA had to join this war. तो US को एंटर होना पड़ा क्योंकि उसके घर पे अटैक कर दिया जर्मनी ने। तो अब USA की एंट्री हुई, रशिया तब बाहर हो गया, USA की एंट्री हो गई। अब US के आने से अलाइड पावर्स जो थी ना, वो ज्यादा ही पावरफुल हो गई। तो इन दिस वार, ये जो वार है वैसे अलाइड पावर्स ने जीती, सेंट्रल हार गई थी बुरी तरह से। अलाइड पावर्स वॉन दिस वार, बट सबको लॉस हुए, चाहे वो अलाइड थे चाहे वो सेंट्रल थे, सफर्ड हैवी लॉसेस, ऑल सफर्ड हैवी लॉसेस, चाहे वो यूके था चाहे वो यूएसए था, किस कोई भी था,
नो डाउट यूएसए एंड रशिया को लॉस कम हुए, यूएसए एंड फ्रांस को ज्यादा लो, यूके एंड फ्रांस को ज्यादा लॉस हुए थे क्योंकि उन्होंने तो पूरी वार लड़ी, बाकी इनको तो ये तो हार ही गए थे, तो हर एक को लॉस हुआ। अब अलाइड पावर्स हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वार, उन्होंने जर्मनी को इस वार के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया एंड जर्मनी को वार इंडेमनिटी, जर्मनी को वार फाइन लगा दिया, जर्मनी के ऊपर वार फाइन लगा। जैसे जर्मनी गॉट डिफीटेड इन दिस वार, जो रूलर था ना केसर विलियम, फ्लेड टू अदर कंट्री, वो तो भाग गया वहां से। अब पार्लियामेंट्री पार्टीज ऑफ जर्मनी दे मेट एट वेमर, वो वेमर एक जगह का नाम है, वहां पे उनकी मीटिंग हुई, मेट एट वेमर। अब पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई यहाँ पे वेमर में, पार्टीज मिली, पार्लियामेंट्री पार्टीज ऑफ जर्मनी, क्योंकि रूलर भाग गया था केसर विलियम, फ्लेड टू अदर कंट्री, तो पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वेमर टू साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी ऑन फेडरल लाइंस, ऑन फेडरल लाइंस, फेडरल लाइंस, फेडरल पता ना सेंट्रल एंड स्टेट में पावर्स को बांट देना, टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी ऑन फेडरल लाइंस। अब क्योंकि ये मीटिंग वेमर में हुई तो इसका नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक। 1919 में, जून 1919 में ये मीटिंग हुई थी एंड इन दिस मीटिंग इन्होंने फेडरल लाइंस पे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। अब इसके बाद वेमर रिपब्लिक के हाथ में, क्योंकि जगह जो थी दैट वाज वेमर, तो नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक। अब जर्मनी पे होल्ड जो था ना वो वेमर रिपब्लिक का आ गया, रूलर केसर विलियम, फ्लेड टू अदर कंट्री एंड जर्मनी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक वहां पे बन गई, वेमर रिपब्लिक के हाथ में जर्मनी की कमांड चली गई। अब उधर से अलाइड पावर्स हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वार एंड अलाइड पावर्स ने वेमर रिपब्लिक को फोर्स किया टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उन्होंने जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करने के लिए फोर्स कर दिया। तो जर्मनी हैड टू साइन द ट्रीटी, अब जर्मनी को वो ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जर्मनी के बिहाफ पे वो ट्रीटी साइन की वेमर रिपब्लिक ने। दैट वॉज दिस ग्रेस ट्रीटी, दैट ट्रीटी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी, सारी टर्म्स जर्मनी के अगेंस्ट थी। तो ऐसा क्या हुआ इस ट्रीटी में, ऐसा क्या क्या उनको साइन करना पड़ा कि वो ट्रीटी जर्मनी की प्रेस्टीज के ही अगेंस्ट हो गई। तो वो जो ट्रीटी थी ना उसमें जर्मनी को सबसे पहले तो कहा गया £6 बिलियन वार फाइन देना, देखो कितना बड़ा अमाउंट, £6 बिलियन वार फाइन, जर्मनी वाज आस्क्ड टू पे £6 बिलियन एज वार फाइन, क्योंकि लाइट पावर्स ने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी पे डाल दी कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था, जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है, जो डैमेज हुआ है, सब कुछ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी। तो उन्होंने कहा सारी भरपाई जो है ना इस वार की वो जर्मनी देगा, £6 बिलियन जर्मनी पे वार फाइन लगा। और साथ में जर्मनी के इंडस्ट्रियल टाउन्स राइन एंड रूहर वो भी अलाइड पावर्स ले गए, जर्मनी की पॉपुलेशन ओवरसीज कॉलोनीज, टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओवरसीज कॉलोनीज, ये सब अलाइड पावर्स ले गए, उसके इंडस्ट्रियल टाउन्स भी चले गए। जर्मनी वाज आस्क्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द सोल्जर्स, जर्मनी के जो सोल्जर्स थे ना उनका भी नंबर अलाइड पावर्स ने कम करवा दिया, नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑफ जर्मनी वाज रिड्यूस्ड एंड फिक्स्ड बाय अलाइड पावर्स। तो इस वजह से सारी टर्म्स जो थी दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी, दिस ट्रीटी वाज नोन एज डिसग्रेस ट्रीटी, ह्यूमिलेटिंग एक्ट मेड बाय वेमर रिपब्लिक। तो लोग जो थे ना वो भड़क गए, पीपल ऑफ जर्मनी, वो लोगों ने इस ह्यूमिलेटिंग एक्ट के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया, वेमर रिपब्लिक। पीपल हेल्ड वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसग्रेस ट्रीटी, उन्होंने कहा जो भी ये इतना नुकसान, जो भी ये साइन नहीं करने चाहिए थे वेमर रिपब्लिक को, तो वेमर रिपब्लिक ने साइन करके जर्मनी के अगेंस्ट किया सब कुछ, दैट्स व्हाई पीपल हेल्ड वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल
एंड इन इट्स बिगिनिंग इट बिकेम अनपॉपुलर। अभी तो ये आई थी, आते ही क्या हो गई अनपॉपुलर, क्योंकि इसने आते ही एक ट्रीटी साइन की थी, दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो साइन की थी ना, वो ट्रीटी जर्मनी की फेवर में नहीं थी। आई हैव टोल्ड यू फ्यू टर्म्स, और ड्यू टू दैट ट्रीटी वाइमर रिपब्लिक इन इट्स बिगिनिंग बिकेम अनपॉपुलर। ये आते ही अनपॉपुलर हो गई, लोग इसके अगेंस्ट होना शुरू हो गए। नो डाउट ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई थी, लोगों को राइट्स भी दिए थे, सिविल लिबर्टीज भी इसने दी थी, बट फिर भी लोग इसकी फेवर में नहीं थे। लोग जो थे देवर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोगों को लगता था कि डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही आनी चाहिए, क्योंकि तब लोगों की कंडीशन जो थी इन जर्मनी वॉज वेरी पुअर। जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आए थे, बट जर्मनी वॉज वर्स्ट सफरर। क्योंकि जर्मनी इसलिए वर्स्ट सफरर हम कहते हैं बिकॉज जर्मनी हैड टू पे वार फाइन आल्सो। इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आए थे। फ्रॉम क्रेडिटर यूरोप बिकेम डेब्टर। जो यूके था ना, उसने यूएसए से लोन लिया था, यूके टुक लोन फ्रॉम यूएसए, तो बाद में यूके को यूके लोन की लोन वापस भी नहीं कर पाया था, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इन यूएसए आल्सो क्रैश्ड। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे एंड जर्मनी वाज द वर्स्ट सफरर। जर्मनी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। अब जर्मनी में वैल्यू ऑफ करेंसी जो थी केम डाउन, जर्मनी में करेंसी ट्रिलियंस में डाउन चली गई। ट्रिलियंस में कह रही हूँ, नॉट इन बिलियंस, इट्स इन ट्रिलियंस। ट्रिलियंस में करेंसी की वैल्यू डाउन चली गई। लोग एक ब्रेड खरीदने जाते थे ना, कैरिड अपने साथ कांट भर के पैसों का लेके जाते थे एक ब्रेड खरीदने के लिए। मींस इतनी वैल्यू यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग जर्मनी की करेंसी की वैल्यू डाउन जा चुकी थी। तो ये सब कुछ जर्मनी में हो रहा था, तो लोगों को लगता था कि ऑल दिस वॉज डन बाई वाइमर रिपब्लिक, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक उधर से फाइन भी भर रही थी। तो केसर विलियम का मैंने बिगनिंग में बोला था, ही टुक लोन्स, और जब उसने लोन लिए थे ना, ही प्रॉमिस दैट ही वुड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कि वो गोल्ड की फॉर्म में वापस कर देगा। अब जर्मनी को, वाइमर रिपब्लिक को वो लोन भी वापस करना था, तो गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी गॉट डिप्लीटेड डे बाय डे, क्योंकि उसको लोन भी वापस करना था, रूलर तो भाग गया था, तो गोल्ड रिजर्व्स इन जर्मनी आल्सो गॉट डिप्लीटेड डे बाय डे। अब लोग और भड़क रहे थे कि पैसा भी जा रहा है, गोल्ड भी जा रहा है, इंडस्ट्रियल टाउन भी जा चुके हैं। तो लोग जो थे ना कहीं वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट होते चले गए, एंड वाइमर रिपब्लिक वॉज फाइनेंशियली क्रश्ड। ये बुरी तरह से फाइनेंशियली क्रश्ड थी, नो मनी, इसके पास पैसा ही नहीं था, कोई सब कुछ था। तो लोगों को लगता था देयर वर वेरियस डिफेक्ट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। उनको लगता था कि वाइमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से डिफेक्ट्स भी हैं। अभी तो लोगों ने इसे सेटअप भी नहीं होने दिया, न्यूली बिल्ट वाइमर रिपब्लिक में उन्होंने कितने डिफेक्ट्स निकाल दिए। तो एक तो ये रीजन, बिकॉज पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ, हम कहेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे वर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप। वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर लाना चाहते थे अपनी कंट्री में। तो ये, ऑन द अदर हैंड हिटलर वॉज बिकमिंग पॉपुलर। तो हिटलर उधर से पॉपुलर होता जा रहा था, बिकॉज हिटलर जो था ना, ही मेड प्रोमिसज विद द पीपल ऑफ जर्मनी। उसने सबसे बड़ा प्रोमिस जो किया, दैट वॉज कि अगर आप मुझे लाओगे पावर में, देन आई वुड टुक जर्मनी आउट ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशन। उसने कहा कि अगर आप मुझे पावर में लाते हो, देन मैं जर्मनी को डिस्ट्रेस सिचुएशन से बाहर कर दूंगा। आई वुड डिनाउंस द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसने कहा जितनी भी वाइमर रिपब्लिक ने टर्म साइन की है ना, मैं सारी टर्म्स तोड़ दूंगा। और उसने कहा कि वो जर्मनी की रीसेटलमेंट करेगा सारी। तो ऑल दीज प्रोमिसज वर डन बाय हिटलर। तो लोगों को कहीं ना कहीं हिटलर के प्रोमिसज बेटर लगे, तो पीपल जो थे दे बिकेम फॉलोअर्स ऑफ हिटलर एंड दे वर टर्निंग अगेंस्ट वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट होते चले गए एंड हिटलर के फॉलोअर बढ़ते चले गए। अब हुआ हिटलर, हिटलर कहाँ से आ गया बीच में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिटलर वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर इन जर्मन आर्मी। देखो, एक ऑर्डिनरी सोल्जर से वो डिक्टेटर बना,
He was an ordinary soldier in German army. Poor family को belong करता था. ऑस्ट्रिया में उसका बर्थ हुआ था 1889 में. ऑस्ट्रिया में उसका बर्थ हुआ. पुअर फैमिली को बिलोंग करता था. ही वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर इन जर्मन आर्मी एंड ड्यू टू लेग फ्रैक्चर ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो हिटलर ने आके बोला कि अगर वो हॉस्पिटल में ना होता तो वो ये ट्रीटी को साइन ही नहीं करने देता. उसने ऐसा लोगों को बोला. तो हिटलर जो था ही वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर इन जर्मन आर्मी. कहाँ पे बर्थ हुआ? ऑस्ट्रिया 1889. अब हिटलर ने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए. हिटलर के प्रॉमिसेस लोगों को अच्छे लगे. हिटलर वाज गुड स्पीकर. बहुत अच्छा स्पीकर था. हैविंग गुड पर्सनालिटी जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए. एंड ही न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल. ये सब सारी क्वालिटीज उसमें थी जो कि एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए. कि बोलना आना चाहिए पॉलिटिशियन को. उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए. एंड पॉलिटिशियन जो है उसे लोगों को अट्रैक्ट भी करना आना चाहिए. तो हिटलर वॉज हैविंग ऑल द क्वालिटीज. हिटलर हैज हैड गुड पर्सनैलिटी. ही न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल. ठीक है. तो ये सारा कुछ उसमें था. तो लोग जो थे उसके फॉलोअर होते चले गए. हिटलर ने प्रॉमिस जब किया तो ही सेड दैट ही वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन जर्मन आर्मी. तो जो लोग ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स अनएम्प्लॉयड हुए थे सोल्जर्स, क्योंकि अलाइड पावर्स ने सोल्जर्स जो थे उनका नंबर कम किया था. अब जो लोग जब नंबर कम हुआ तो मैनी सोल्जर्स जो थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. तो हिटलर ने उन्हें जॉब्स दी. जब जॉब्स मिली तो वो लोग जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे हिटलर के फैन होते चले गए. अब जर्मनी का यूथ भी हिटलर का फॉलोअर था. ऐसा क्या किया कि यूथ फॉलोअर हो गया? इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम यूथ जो था उसके पास जॉब्स नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी. यूथ जो था गले में तख्तियां डाल के घूमते होते थे, गिव अस एनी जॉब, वी आर रेडी टू वर्क, हमें कोई भी काम दे दो हम काम करने के लिए रेडी हैं. बट वहाँ पे तो जॉब्स थी नहीं. तो यूथ था ना दैट टर्न टूवर्ड्स क्राइम. यूथ क्राइम की तरफ जा रहा था. तो हिटलर ने यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की. ही प्रॉमिस कि ही वुड प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ. जब वो पावर में आएगा ही वुड प्रोवाइड हैम जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड गुड फ्यूचर. उसने कहा मैं आपको गुड फ्यूचर भी दूंगा. दैट्स वाई हम कहेंगे कि यूथ भी जो था ना वो भी हिटलर का फॉलोअर होता चला गया. जो सोल्जर्स थे वो भी उसके फॉलोअर, यूथ भी उसका फॉलोअर, अब वहाँ के लोग भी हिटलर के फॉलोअर. लोगों ने कहा कि ये तो एक मसीहा है. पीपल कॉल्ड हिम मसीहा, मैसेंजर सेंट बाय गॉड. लोगों को ऐसा लगता था कि हिटलर एक मसीहा है, मैसेंजर है, सेंट बाय गॉड एंड हैड फुल फेथ ऑन हिटलर. तो वो हिटलर को पावर में लाना चाहते थे. तो ये ड्यू टू दीज रीजंस हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर. एक तो उसके प्रोमिसेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्टाइल जो बोलने का, और साथ में यूथ जो था उसको अट्रैक्ट कर लिया उसने, सोल्जर्स को अट्रैक्ट किया. वैसे भी लोग उसे क्या कहते थे? मैसेंजर्स, मसीहा, सेंट बाय गॉड. तो उधर से कौन अनपॉपुलर हो रहा था? वाइमर रिपब्लिक. अब अनपॉपुलैरिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक was becoming the main reason for the popularity of Hitler. उधर से विमर रिपब्लिक जो थी वो अनपॉपुलर होती जा रही थी एंड हिटलर वॉज बिकमिंग पॉपुलर. तो ये सारे ड्यू टू दीज रीजन्स अब हिटलर जो था ना वो पावर में, अभी पावर में नहीं आया, वो पॉपुलर हो रहा है. अब हाउ हिटलर, अब उसने ऐसा क्या किया कि वो पावर में भी आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन जर्मनी इलेक्शंस वर कंडक्टेड. इलेक्शंस हुई 1928 में. तो इस टाइम नाजी पार्टी को ज्यादा वोट्स नहीं पड़े. इन 1928 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी को बहुत कम वोट पड़े, 2.6% वोट. बट दोबारा इलेक्शंस 1932 में हुए. फिर इलेक्शंस हुए, दिस टाइम नाजी पार्टी गोट लार्जेस्ट वोट. इनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो नाजीज को पड़े. नाजीज को सबसे ज्यादा वोट्स पड़े. तो अब प्रेसिडेंट जो था वो, जैसे इंडिया में ही होता है, जो पार्टी मेजोरिटी शो करती है तो उसके लीडर को कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट. सेम एज इन जर्मनी, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, ही कॉल्ड हिटलर.
उसने हिटलर को बुलाया बिकॉज हिटलर शोड मेजोरिटी इन द इलेक्शंस. तो हिटलर नाजी पार्टी ने क्योंकि मेजोरिटी शो की थी इन द 1932 इलेक्शंस, तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग कॉल्ड हिटलर. उसने हिटलर को बुलाया टू मेक हिम चांसलर. चांसलर बनाना था जर्मनी का, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी. बट हिटलर तो इतना सा लेने से खुश ही नहीं था. वो तो सब कुछ अपने हाथ में चाहता था, वो किसी के अंडर रह के तो वर्क ही नहीं करना चाहता था. तो कहते मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ जर्मनी. यू नो द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, रीच स्टैग वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता है. यू हैव रेड अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस, रशिया, जर्मन. अब जर्मनी की रीच स्टैग है, फ्रांस की आपने पढ़ा हुआ है बॉडी ऑफ स्टेट जनरल, रशिया की आपने पढ़ी है डूमा. अब आप जर्मनी की पार्लियामेंट है रीच स्टैग. तो कहते हैं मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग. हिटलर ने जितने अपने एनिमीज थे ना सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया. कॉन्सेंट्रेशन नाम से तो कैंप है बट ये था क्या, जेल. इट वॉज जस्ट लाइक जेल. अब आपको नाम से लग रहा होगा कोई कैंप होगा, नो ये कैंप नहीं था. इट वॉज जेल सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी हुई थी सारी तरफ. अगर कोई भागने की भी कोशिश करता तो वो मर जाता, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक. तो ये सब हिटलर ने अपने जितने एनिमीज थे ही सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप. अब हिटलर ने 3 मार्च 1933 को एक एक्ट पास कर दिया, वो था इनेबलिंग एक्ट. अब इसके बाद सारा चेंज होना है. इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933. दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय हिटलर ऑन 3 मार्च 1933. बाय पासिंग दिस एक्ट, अब इस एक्ट को पास करके हिटलर ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली. ही बिकेम द डिक्टेटर. उसने सबसे पहले तो सिविल राइट्स गिवन टू द पीपल ऑफ जर्मनी बाय वीमर रिपब्लिक वो सस्पेंड कर दिए. ही सस्पेंडेड ऑल द सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज गिवन टू द पीपल ऑफ जर्मनी बाय वीमर रिपब्लिक. देखो कहां वीमर रिपब्लिक ने लोगों को सिविल लिबर्टीज दी हुई थी, हिटलर ने वो सब सस्पेंड कर दिए. हिटलर ने जुडिशरी, वहां की इकोनॉमी, ठीक है, हर चीज, वहां की पुलिस, हर चीज अपने अंडर की. हिटलर ने जुडिशरी, मिलिट्री, वहां की पुलिस, हर चीज, इकोनॉमी, हर चीज अपने अंडर की. एंड ही बिकेम द डिक्टेटर. वो डिक्टेटर बन गया. उसने लोगों के सिविल लिबर्टीज, जो सिविल राइट्स वीमर रिपब्लिक ने दिए, वो भी सस्पेंड कर दिए. इन दिस वे ही बिकेम डिक्टेटर. अब वो बन गया डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. अब हिटलर आ गया पावर में. अर्लियर ही वॉज पॉपुलर, मैंने पहले बताया कि ही वॉज बिकमिंग पॉपुलर. वो तो अभी पॉपुलर बन रहा था बट पावर में कब आया, व्हेन ही पास्ड एन इनेबलिंग एक्ट. जब वो इलेक्शन जीता, इलेक्शन 1932 के इलेक्शन जब नाजीस जीत गए, तो उस इलेक्शन के बाद नाजी पार्टी पावर में आ गई. एंड हिटलर ने आते ही क्या पास किया, इनेबलिंग एक्ट. इनेबलिंग एक्ट के थ्रू ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. अब जर्मनी में डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हुई एंड डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई. अब आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, हाउ. तो आप बताओगे कि कैसे वीमर रिपब्लिक क्या लेके आई थी, डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है, उसने तो लोगों को सिविल लिबर्टीज तक दी थी, ठीक है, बट लोग जो थे देवर नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देवर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लोग फेवर में नहीं थे. कहीं ना कहीं पीपल वर इन सर्च ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर. दे सॉ ऑल द क्वालिटीज इन हिटलर. उन्होंने सारी क्वालिटीज हिटलर में दिखी थी. दे बिकेम फॉलोअर्स ऑफ हिटलर. तो हिटलर वॉन द इलेक्शन. हिटलर जब इलेक्शन जीत गया, फिर आपने बताना वहां से फिर आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा कि 1932 के जो इलेक्शन हिटलर जीता, उसके बाद वो प्रेसिडेंट ने जब उसे कॉल किया तो हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया ऑन 3 मार्च 1933. एंड बाय पासिंग दिस एक्ट, इस एक्ट को पास करके वो अकेला पावरफुल हो गया और वो डिक्टेटर ऑफ जर्मनी बन गया, जर्मनी का डिक्टेटर.
And this led to the destruction of democracy because he suspended all the rights given to the people of Germany by Weimar Republic. तो इस वजह से हम कहेंगे कि establishment of dictatorship हो गई and destruction of democracy हो गई. तो I think it is clear to you. अब हमने करना है कि हिटलर ने पावर में आने के बाद कि अपने promises कैसे कैसे पूरे किए, उसने यूथ पे कैसे अपना होल्ड बनाया. अब वो पावर में तो आ गया. और ही ब्रोट द यूथ ऑफ जर्मनी, जर्मनी के यूथ को अपने अंडर कैसे लाया. तो इसके लिए उसने सबसे पहले बच्चों की स्कूलिंग पे नजर रखी. स्कूलिंग स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को एक पाठ पढ़ाया जाता था, वर्शिप हिटलर. वर्शिप हिटलर उनको बिगनिंग में ये वाला पाठ पढ़ाते थे. एंड हेट्रेड फॉर ज्यूज, ये दो बातें बच्चों को बिगनिंग में सिखाई. वर्शिप हिटलर, हेट्रेड फॉर ज्यूज. तो जब वो बच्चे बाहर आए ना स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके, तो वो सारे हिटलर के फॉलोअर बन चुके थे क्योंकि उन्हें बिगनिंग में ही एक पाठ पढ़ाया गया था, वर्शिप हिटलर.